हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग आठवां का हिंदी पार्ट टू का प्रश्न आंसर करा रही हूँ। प्रश्न आठ का आंसर मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आठ का क है। क है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? आठवां का क है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? इसका आंसर होगा, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। और उसके बाद क है, दुकानों में किन किन तरह के किस किस तरह के खिलौने थे? दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? इसका उत्तर होगा, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, राजा, ओपी इत्यादि। दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, राजा, ओपी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर दो, वे खिलौने किस चीज के बने थे? वे खिलौने किस चीज के बने थे? आंसर होगा, वे खिलौने मिट्टी के बने थे। इसका आंसर होगा, वे खिलौने मिट्टी के बने थे। वो मामू मोती और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? मामू मोती और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? इसका उत्तर होगा, मोहसिन ने सिपाही, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिस्ती तथा नूरे ने वकील खिलौने खरीदे। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिस्ती तथा नूरे ने वकील खिलौने खरीदे। और मैं अंब और च का आंसर नहीं लिखी हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन छह लिख दे रही हूँ। इसलिए अब छह का आंसर होगा, वर्दी और पोता के समानार्थी लिखिए। वर्दी और पोता के समानार्थी लिखिए। इसका आंसर होगा, वर्दी को होगा पोशाक, पोता का होगा पुस्तक। वर्दी को होगा पोशाक, पोता का होगा पुस्तक। अंग और च मैं नहीं लिखी हूँ, छ लिखती हूँ। आज पाठ यह समाप्त हो गया, कल मैं आप लोगों को तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी, इसलिए आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिएगा। मैं स्कूल खुलने पर इसका चेक करूंगी। ओके।